हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम चौहान। मेरे यूट्यूब चैनल पूनम चौहान रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बंगाली स्पंज रसगुल्ला, जो कि बहुत ही आसानी से और इजी टिप्स के साथ मैं बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बंगाली स्पंज रसगुल्ला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर गाय का दूध लिया है। ये फुल क्रीम नहीं है, ये टोंड ही है। इससे मैं आपको स्पंज रसगुल्ला बना के दिखाऊंगी, बहुत ही सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। तो सबसे पहले हम दूध को उबालेंगे। तो एक पतीले में हम दूध को पलट लेते हैं। तो यहाँ पे टिप्स ये है कि हमें दूध उबला हुआ नहीं चाहिए, कच्चा ही दूध चाहिए। डायरेक्ट हम पैकेट से ही डालेंगे पतीले में, और इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे, छोड़ना नहीं। छोड़ने से हमारा जो दूध है वो नीचे तले में लग जाता है। देखिए, यहाँ पे हमारा दूध में उबाल आ चुका है, तो गैस को हमने बंद कर लिया है। तो एक टिप्स ये है कि हमें दूध को एकदम गर्म में नहीं फाड़ना है। जब हमारा दूध 50% ठंडा हो जाए उसके बाद हम दूध को फाड़ेंगे। अगर हमने गर्म दूध में दूध फाड़ा तो हमारा जो छेना है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड बनेगा, तो इसलिए हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे करीब 5 मिनट हो गए, हमारा जो दूध है वो 50% ठंडा हो चुका है। तो अब हम दूध को फाड़ेंगे। तो फाड़ने के लिए यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून विनेगर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे नींबू का रस ले सकते हैं। तो जितना आप नींबू का रस लेंगे उतना ही आप इसमें पानी ऐड करेंगे, लेकिन विनेगर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून हम इसमें पानी डालेंगे, यानी कि उसका डबल पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे टिप्स ये है कि हमें जो ये जो हमने सोल्यूशन बनाया है पानी का दूध फाड़ने के लिए, उसे एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से हमें दूध को चलाते हुए फाड़ना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से डाल देती हूँ। और यहाँ पे टिप्स एक और है कि दूध फटने में काफ़ी टाइम लग जाता है काफ़ी लोगों को, क्योंकि दूध की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मेरा देखिए दूध 2 मिनट के अंदर ही फट चुका है, और देखिए बिल्कुल अच्छे से फट गया है। पानी अलग हो गया है और छेना अलग हो गया है। तो अभी हमें इसको छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट इसे हम छान लेंगे। तो छानने के लिए यहाँ पे मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है। आप चाहें तो मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन एकदम पतला होना चाहिए। और इसमें जो हमने अभी हम दूध फाड़ा है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे और छान लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने ट्रांसफ़र कर लिया है और जो भी पानी है वो निकल जाएगा। उसके बाद हम इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी से हम इसको वॉश करेंगे। एकदम ठंडा पानी हमें नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे टिप्स एक और है कि अगर आपने इसे एकदम ठंडे फ्रिज के पानी से वॉश किया तो हमारा छेना हार्ड हो सकता है इस टाइम पे भी, तो इसलिए हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी यूज़ करेंगे। अभी इस टाइम पे पानी वैसे भी ठंडा ही है, थोड़ा सा ठंडा हो गया है मौसम। तो अब हम इस सभी को इस तरीके से कपड़े को इकट्ठा करते हुए और जो पानी है इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पे टिप्स एक और है कि हमें पनीर जो हम बना रहे हैं छेना, इसमें से हमें एकदम ज़्यादा पानी नहीं निकालना है, मतलब जितना एक्स्ट्रा है उतना ही निकलना चाहिए। अगर हमने एकदम ज़्यादा देर से रखा और एकदम इसको सुखा दिया तो हमारा छेना एकदम से ड्राई हो जाएगा। तो अब हम इसको करीब आधे घंटे के लिए कहीं पे भी किसी आपके जो नल है किचन का उस पर टांग सकते हैं, या फिर एक थोड़ा सा हैवी सा बर्तन इसके ऊपर रख के इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और मैंने देखिए बिल्कुल अच्छे से इसे छोड़ दिया था और एक भारी बर्तन रखा था उसके ऊपर। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा छेना बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल पनीर की तरह शेप आ गया है इसका, क्योंकि मैंने इसको एक भारी बर्तन रखा था इसके ऊपर। तो ये परफेक्ट हमारा छेना बन के तैयार हो गया है और एकदम मॉइस्ट है, इसके अंदर एकदम ड्राई नहीं है। तो ये देखिए, इसे हम अच्छे से इस तरीके से मस लेंगे। तो यहाँ पे टिप्स एक और है कि हमें इसे कंटिन्यू इसी तरीके से यहाँ हथेली से इस तरीके से हमें मसलते हुए इसे चिकना करना है। तो हमें करीब 6 से 7 मिनट इसे कंटिन्यू मसलते रहना है, जब तक कि ये एकदम स्मूथ ना हो जाए, क्योंकि ये स्मूथ होगा उसके बाद ही जब हम इसमें बॉल बनाएंगे इसकी, तो एकदम चिकनी बनेगी। तो ये टिप्स बहुत ज़रूरी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, तभी हमारे जो रसगुल्ले हैं वो एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे 6-7 मिनट इसे अच्छे से मसल लिया था। ये देखिए अभी एक साथ इकट्ठा होने लगा है, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है कि हमारा छेना कितना निकला है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कप ले लिया है और इसको मैं इस तरीके से माप लूँगी।
तो ये देखिए एक कप भर के हमारा छेना बनके तैयार हुआ है। तो जितना हमारा छेना है उस हिसाब से यहाँ पे एक कप छेना है, तो एक कप छेना में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं अरारोट का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून मैदा। मैदा की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी कि हाफ टेबल स्पून हम थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करते हैं। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इनको हमें अभी दोबारा से मिक्स करते हुए इसे चिकना करना है, ताकि हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो सके। तो यहाँ पे टिप्स ये है कि हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है, और 1 से 2 मिनट के लिए हमें दोबारा से इनको इस तरीके से मिसलते हुए चिकना करना है। तभी हमारे जो स्पंज रसगुल्ला है वो एकदम सॉफ्ट एंड स्पंजी बनेगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए डो हमारा बन करके तैयार हो गया है स्पंज रसगुल्ले का। तो अब हम इनकी बॉल्स बना लेते हैं। तो यहाँ से हम छोटा सा पोर्शन लेंगे। तो आप जितने बड़े स्पंज रसगुल्ले बनाना चाहते हैं उतना पोर्शन लेके इस तरीके से हथेली में हल्के हाथों से हमें इसको शेप देनी है। तो टिप्स ये है कि हमें बहुत ज़्यादा स्पीड में हमें नहीं करना है, टाइट हाथ से नहीं इसको हमें शेप देना है। बहुत ही आराम से हल्के हाथ से बनाएंगे और बिल्कुल क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए बना लिया है और बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है इसमें। तो बिल्कुल इसी तरीके की हमें बॉल्स बना करके तैयार करनी है। तो इसी तरीके से हम बाकी सभी बॉल्स को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी बॉल्स बना करके तैयार कर ली है। तो अब यहाँ पे हम सिरप बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कुकर लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन कुकर में बहुत ही अच्छा जाग बनता है हमारे सिरप में, इसलिए मैंने कुकर लिया है। तो यहाँ पे मैं अब इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो 1 कप भर के मैंने यहाँ पे चीनी ली है। तो अब टिप्स यहाँ पे ये है कि जितना हम चीनी लेंगे उसका 4 गुना या 5 गुना हम पानी लेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 कप पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें जो इसकी सिरप है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए होता, एकदम पतली सिरप में हम स्पंज रसगुल्ले को हम स्टीम करते हैं, उबालते हैं। इससे हमारा जो स्पंज रसगुल्ला है वो अच्छा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। सिरप पतला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून केवड़ा एसेंस। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे स्पंज रसगुल्ले में, बिल्कुल मार्केट जैसा। और अब हम हमारी चाशनी को अच्छा एक उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी चाशनी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो अब यहाँ पे टिप्स ये है कि हम जब इसमें स्पंज रसगुल्ले की बॉल्स हम इसमें जब डालेंगे तो हमें इसे कंटिन्यू बॉल्स को नहीं डालना है, एक बॉल्स डालेंगे, उसके बाद हम इसका कुकर का ढक्कन रख देंगे, कुछ सेकंड रुकेंगे और फिर उसके बाद हम दूसरी बॉल को डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ऐसा करने से हमारे जो पानी है इसमें उबाल बना रहता है और हमारे स्पंज रसगुल्ला जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो ये टिप्स आप बिल्कुल फॉलो कीजिएगा तो आपके स्पंज रसगुल्ले परफेक्ट बनेंगे। देखिए हमने सभी बॉल्स को सबको डाल दिया है और अब हम इसको हाई फ्लेम में ही उबालेंगे ढक्कन लगा करके करीब 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे करीब 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारे स्पंज रसगुल्ले परफेक्टली फूल गए हैं, एकदम दुगनी हो चुके हैं, इसका मतलब है ये अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसका एक टेस्ट लेंगे, इसको हमें ठंडे पानी में डाल के देखेंगे। देखिए हमारा जो रसगुल्ला है वो डूब गया है, इसका मतलब है कि हमारा जो स्पंज रसगुल्ला है परफेक्टली पक चुका है। तो अब हम इसे वापस कुकर में रख देंगे और इसे रूम टेम्परेचर में आने देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे स्पंज रसगुल्ले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ठंडे हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको उसे दिखाती हूँ दबा के, कितना अंदर तक इन्होंने चाशनी एब्जॉर्ब किया है और एकदम सुपर सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, पता भी चल रहा होगा कि कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। मैं यहाँ तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से टेक्स्चर देखिए बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो आप जो मैंने टिप्स बताए हैं अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपके स्पंज रसगुल्ले एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये स्पंज रसगुल्ले की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही मैंने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ सके।
तो फ्रेंड्स मैं जल्दी मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।